will discuss formation of endosperm. As we discussed earlier, that what is endosperm? Endosperm is a food laden tissue. क्या है ये? Food laden tissue. जो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज एंडोस्पर्म. दिस एंडोस्पर्म इज 3N, इट मींस इट इज ट्रिप्लॉइड. ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं. व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई. इट मीन्स हाउ मेनी न्यूक्लियर फॉर्मेशन टेक प्लेस? 2 + 1 = 3. इट मीन्स दिस एंडोस्पर्म इज 3N इन कंडीशन. एक और इम्पोर्टेंट बात है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हमेशा नरिशमेंट कहां से ऑब्टेन करेगा? न्यूसिलस से. ठीक है, और यही जो बाद में न्यूसिलस है और एंडोथीलियम है वो सब क्या हो जाता है? डीजेनरेट. क्योंकि एंडोस्पर्म की ग्रोथ के लिए फूड कहां से मिल रहा है? न्यूसिलस. तो एंडोस्पर्म जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूसिलस की ग्रोथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज. और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप. कितने प्रकार का होता है एंडोस्पर्म? 3 टाइप का है. नंबर 1 एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नंबर 2 इज सेलुलर एंडोस्पर्म. एंड नंबर 3 इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. व्हाट इज न्यूक्लियर? देखो सब में 2 प्रोसेस कॉमन है. नंबर 1 इज कोइनोसिटिक फेज एंड नंबर 2 इज साइटोकाइनेसिस प्लस सेल वॉल फॉर्मेशन. और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सेलुलेलाइजेशन फेज. होता क्या है? मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन इज कॉल्ड कोइनोसिटिक फेज. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस होगी, उसके अराउंड सेल वॉल भी होगा फॉर्मेशन. दैट कंप्लीट इज नॉन एज सेलुलेलाइजेशन. क्या कहता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले कौन सी फॉर्मेशन होगी? कोइनोसिटी. यहां पर PEN हमने पढ़ा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये फर्दर ग्रोथ कर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म. तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ये डिवीजन करेगा और लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगी. क्या होगी? लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई. इस वजह से जो एंडोस्पर्म है वो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाएगी. और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? कोइनोसिटिक कंडीशन. अब इसमें क्या होगा? सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये क्या कहता है, जो ग्रोथ है वो एंडोस्पर्म की सडनली होनी शुरू हो जाएगी. फिर उसके बाद कौन सी फेज आएगी? सेलुलेलाइजेशन. यहां पर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी और वॉल फॉर्मेशन. जैसे ये एंडोस्पर्म था, इसमें सेंट्रल वैक्यूल बन गया. यहां पर ये क्या है? फ्री न्यूक्लियाई. अब क्या होगा? ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल डेवलप क्यों हुआ था? ताकि इस एंडोस्पर्म में ग्रोथ क्या हो? जल्दी जल्दी. सेकेंड फेज कौन सी आई? साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन. जैसे इसमें साइटोकाइनेसिस फेज होगी, इसके अंदर हर फ्री न्यूक्लियाई के अराउंड किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी. और जो हमारा एंडोस्पर्म होगा वो मल्टी न्यूक्लियर मल्टी सेलुलर बन जाएगा. इस तरीके से आया बात समझ में? तो सबसे पहले कोइनोसिटिक होगा, फिर क्या होगा? सेलुलेलाइजेशन होगा. कई बार क्या होता है कि ये जो साइटोकाइनेसिस है ये प्री मैच्योरली मतलब पहले ही स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट होने से पहले ही. इसका एग्जांपल है कोकोनट. क्या एग्जांपल है? कोकोनट. आपने कोकोनट नारियल सभी ने देखा होगा, उसके अंदर व्हाइट कर्नल सेल्स होती है ऑफ सॉलिड मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म. 2 पार्ट है, एक तो लिक्विड में लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर. इसी वजह से इसका जो मिल्क होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें विटामिन मिनरल सुगर प्रोटीन सभी कंपाउंड प्रॉपर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट
होते हैं। नेक्स्ट कहता है सेलुलर, सेलुलर में क्या होगा, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर पहले न्यूक्लियर डिवीजन था, फिर क्या हुआ था, साइटोकाइनेसिस। यहाँ क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस अकर एवरी आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बिगिनिंग से ही कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। यहाँ बिगिनिंग से एंडोस्पर्म मल्टी सेलुलर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बिगिनिंग से ही कैसा बनेगा, मल्टी सेलुलर बनेगा। इस सेलुलर के एग्जांपल क्या क्या है, धतूरा, पिटूनिया, किसके एग्जांपल बन जाएंगे, सेलुलर। हेलोबियल में क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेकिन टू अनइक्वल सेल्स प्रोड्यूस करेगा, एक लार्ज होगी और एक कैसी हो जाएगी, स्मॉल। जो लार्ज है वो माइक्रोपाइल कही जाएगी और जो स्मॉल है वो चैलेंजर कही जाएगी। माइक्रोपाइल कंटिन्यू ग्रोथ करेगी और चैलेंजर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाती है। इसका एग्जांपल है एस्फोडीलस, क्या एग्जांपल बन जाएगा, एस्फोडीलस। समझ आया, ये न्यूक्लियर में पहले क्या होगा, ओइनोसिटिक कंडीशन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहाँ जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हुआ उसके जस्ट ही साइटोकाइनेसिस, तो जो एंडोस्पर्म होगा वो बिगिनिंग से ही क्या होगा, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होगा, एक लार्ज माइक्रोपाइल, स्मॉल चैलेंजर, माइक्रोपाइल कंटिन्यू ग्रोथ करेगा और अल्टीमेटली जो चैलेंजर है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट फर्दर डिवीजन कर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनी, क्या नाम दे देंगे, एम्ब्रियोजेनी का नाम देते होते हैं। ये क्या कहता है, एम्ब्रियो इज द यंग फ्यूचर ऑफस्प्रिंग, मतलब जो फ्यूचर के लिए जो डेवलपमेंट होगी वो यंग ऑफस्प्रिंग है सीड प्लांट के अंदर, जो कि कहां डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल के अंदर, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, खाली ओव्यूल नहीं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर बनता है। तो ये क्या कहता है, ये एम्ब्रियो एक फ्यूचर प्लांट है जो कि किसमें डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर, और ये एम्ब्रियो किससे डेवलप होगा, जाइगोट से डेवलप होगा। सबसे पहला जो एम्ब्रियो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, ये प्रो एम्ब्रियो दोनों में सेम होता है, क्या होता है, दोनों में सेम होता है। मतलब जो अर्ली मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, दोनों में क्या होती है, सिमिलर होती है। अब एक टर्म आती है मीरोब्लास्टिक। अगर जाइगोट का कुछ पार्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक, क्या नाम दे देते हैं, मीरोब्लास्टिक। अर्ली एम्ब्रियो जो है उसकी शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर, क्या नाम होता, कैसी शेप होती है, ग्लोबुलर। अर्ली एम्ब्रियो को हमने प्रो एम्ब्रियो भी कहा है, तो प्रो एम्ब्रियो कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है। अब जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो ये ग्लोबुलर से किस शेप में आएगा, हार्ट शेप में, हार्ट शेप में, और फिर किस शेप में आ जाता है, मैच्योर शेप में आ जाता है। तो इसके फेजेस पढ़ेंगे कि इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई। इसको आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम दिखाएंगे उसमें आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के, डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है। इसको हम क्रूसीफर टाइप भी बोलते हैं, क्या नाम दे देते हैं, क्रूसीफर टाइप का नाम भी देते होते हैं। ये क्या कहता है, डाइकोट में जब एक जाइगोट में डिवीजन होता है तो वो जाइगोट दो प्रकार की सेल प्रोड्यूस करता है, वो दोनों कैसी होती हैं, अनइक्वल। एक लार्ज होती है बेसल सेल, कैसी होती है ये, लार्ज, एंड अदर इज टर्मिनल सेल एंड दैट इज स्मॉल सेल इन कंपैरिजन टू बेसल सेल। एक कौन सी बनती है, लार्ज सेल बनती है, और एक कौन सी बनती होती है, आपकी टर्मिनल। जो बेसल सेल्स है दैट लाइज टुवर्ड माइक्रोपाइलर रीजन, और ये कहां प्रेजेंट होती है, टुवर्ड्स चैलेंजर एंड। दोबारा समझा,
जाइगोट में अनइक्वल डिवीजन हुआ, इट फॉर्म वन लार्ज बेसल सेल्स डेट लाइज टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन, सेकेंड टर्मिनल स्मॉल सेल्स डेट लाइज टूवर्ड्स चैलेंजर एंड। क्या होता है, ये बेसल सेल्स फर्दर डिवीजन करती है और कौन सा डिवीजन करती है, ट्रांसवर्स, जो कि इस प्रकार से होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, 6 से 10 सेल्ड सस्पेंसर, क्या प्रोड्यूस करेगी, 6 से 10 सेल का एक फिलामेंट प्रोड्यूस करेगी, उसे हम क्या नाम दे देंगे, सस्पेंसर। ये सब आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करेगी, सस्पेंसर प्रोड्यूस्ड करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बेसल सेल ने क्या बनाया, सस्पेंसर, तो हम बेसल सेल को सस्पेंसर सेल्स भी बोल सकते हैं। अब सस्पेंसर जो सेल्स है उसकी जो पहली सेल्स है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास प्रेजेंट है वो लार्ज होती है और वैक्यूलेटेड होती है, मतलब उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उन सेल्स को हम नाम देते हैं होस्टोरियम, ठीक है, क्या नाम देते हैं, होस्टोरियम का नाम देते होते हैं। सस्पेंसर बनने का मतलब यही है कि हम यंग एम्ब्रियो को कहां पर डाल रहे हैं, एंडोस्पर्म में, ताकि उसको क्या मिले, नरिशमेंट मिले, मतलब द सस्पेंसर इज मीन फॉर पुशिंग द यंग एम्ब्रियो इनटू द फूड लेडन टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म। जो लास्ट सेल्स है, देखो फर्स्ट सेल्स ने तो क्या बनाया, होस्टोरियम, और इसी सस्पेंसर की जो लार्ज सेल्स होती है वो क्या कही जाती है, हाइपोफाइसिस। आप डायग्राम में देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सस्पेंसर की जो फर्स्ट सेल्स है डेट इज होस्टोरियम, लास्ट सेल्स को हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये हाइपोफाइसिस बाद में क्या प्रोड्यूस करेगी, रेडिकल, और रेडिकल की कवरिंग को क्या नाम, रेडिकल के ऊपर क्या आता है, रूट कैप। देखो रेडिकल क्या डेवलप करती है, रूट, और रूट के ऊपर जो एक लेयर होती है डेट इज रूट कैप, मतलब रूट को कौन प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप प्रोटेक्ट करते हैं। इतना समझ आया, सबसे पहले बेसल सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन के पास लार्ज होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन 6 से 10 सस्पेंसर, सस्पेंसर की जो सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन के पास है जो ऊपर वाली वो लार्ज वैक्यूलेटेड होस्टोरियम कहा जाता है, नीचे वाली को हाइपोफाइसिस जो क्या बनाती है, रेडिकल रूट कैप डेवलपमेंट करती है। अब बारी किसकी आई, टर्मिनल सेल्स की, जो कि क्या करती है, चैलेंजर एंड के पास प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये टर्मिनल सेल्स एम्ब्रियो सेल्स भी कही जाती हैं, क्योंकि जो मोस्ट पार्ट है एम्ब्रियो का वो कौन बनाता है, टर्मिनल सेल्स ही बनाती होती हैं। ये टर्मिनल सेल्स फिर से डिवीजन करती हैं, 1 ट्रांसवर्स एंड 2 वर्टिकल, कौन सा डिवीजन करेगी, 1 ट्रांसवर्स और 2 वर्टिकल, और क्या प्रोड्यूस करेगी, 2 टायर्ड एंड 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, क्या प्रोड्यूस करेगी, 2 टायर्ड 8 सेल्स प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी। जो पहला एम्ब्रियो बना वो किसने बनाया, टर्मिनल सेल्स ने। जो टायर सस्पेंसर के पास है, अब इसमें से एक टायर किसके पास है, सस्पेंसर के पास, वो क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल बाद में क्या बनाएगा, रेडिकल, समझ में आई। दूसरा टायर क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा, एपिकोटाइल बनाएगा, एंड 2 कोटलीडंस, क्या बनाएगा, कोटलीडंस, मतलब 2 टायर प्रोड्यूस किए थे, एक ने क्या बना दिया, रूट, दूसरा क्या बनाएगा, प्ल्यूम्यूल शूट, एपिकोटाइल और 2 कोटलीडंस बनाता होता है। दोबारा ये क्या कहता है कि कोटलीडंस जो होता है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से जो प्ल्यूम्यूल है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही बन के रह जाता है बिटवीन 2 कोटलीडंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको साफ दिखाई देगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्ल्यूम्यूल का रह जाता है, और ये क्या बन जाता है, कोटलीडंस, मतलब 2 कोटलीडंस के बीच में किसकी डेवलपमेंट हो जाती है, प्ल्यूम्यूल, क्योंकि यहां पर कोटलीडंस की ग्रोथ क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे जैसे कोटलीडंस की ग्रोथ बनती चली जाएगी, ये जो एम्ब्रियो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हार्ट शेप,
अब एग्जाम में ये भी आ सकता है हाउ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, तो आपको पूरा डाइकोट वाला जो प्रोसेस है वो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात, मोनोकोट में भी सिमिलर ही है, एक टर्मिनल सेल्स बनेगी, एक बेसल सेल्स बनेगी। फर्क क्या है, जो कोटलीडेंस की ग्रोथ है वो कैसी होगी, मैसिव, जिसकी वजह से प्लूम्यूल एक साइड में खिसक जाएगा और एक सिंगल कोटलीडेंस बनेगा और उसे हम क्या नाम दे देंगे, स्कूटैलम। क्या नाम दे देंगे, स्कूटैलम का नाम दे देते होते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही होगा, जो स्कूटैलम है वो सिंगल कोटलीडेंस को हमने नाम दिया है। यहाँ पर दो कवरिंग बनेंगी, कौन कौन सी, कोलोराइजा जो कि रूट और रूट कैप के अराउंड होगी, कोलियोप्टाइल जो कि किसके अराउंड होगी, प्लूम्यूल के अराउंड होगी। ये रेडिकल और रूट कैप को कवर करेगी। जैसे जैसे स्कूटैलम बढ़ेगा वैसे वैसे कवरिंग बनेंगी कोलोराइजा और कोलोप्टाइल। कोलोराइजा किसको कवर करेगी, रेडिकल को, और कोलोप्टाइल किसको कवर करेगी, प्लूम्यूल को। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो रेडिकल है वो फ्यूचर रूट बनाता है और जो प्लूम्यूल है वो फ्यूचर शूट बनाता है। रेडिकल के ऊपर रूट कैप, इन दोनों की कवरिंग को कोलोराइजा कहेंगे, प्लूम्यूल की कवरिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, कोलोप्टाइल का नाम देते होते हैं। इतना आया समझ में आपको। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम एक माइक्रोपाइल। देखो उससे पहले आप एक दो टर्म समझ लो, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। इंटेग्यूमेंट और टेस्टा, ये ओव्यूल की कवरिंग है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल क्या बनाएगी, सीड, तो सीड की कवरिंग को क्या नाम दे देंगे, टेस्टा। इंटेग्यूमेंट थिन वॉल होती है, टेस्टा थिक वॉल होता है। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, इसकी सेल्स डेड होती हैं। ये जो क्या करता है भाई, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तभी इसमें क्या बनती है, ये आउटर कवरिंग दैट इज टेस्टा बनती होती है। एक और कवरिंग है टैगमैन, सीड की आउटर कवरिंग को टेस्टा, सीड की इनर कवरिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, इंटेग्यूमेंट। आपने पढ़े थे ना, दो इंटेग्यूमेंट है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर। तो आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बना देता है, टैगमेंट की फॉर्मेशन करता होता है। एक वर्ड आपने और पढ़ा था माइक्रोपाइल, ये सीड कोट के ऊपर एक पोर परसिस्ट रहता है हमेशा, ये डेवलपमेंट के बाद भी ओव्यूल के सीड के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये पैसेज ऑफ ऑक्सीजन और वाटर का काम करता है फॉर जर्मिनेटिंग सीड के लिए। एक बात याद रखना, जैसे जैसे सीड मैच्योर होती चली जाएगी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होती चली जाएंगी, ग्रोथ इनहिबिटर डेवलप होंगे और जो सीड में मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और कितना कम, सिर्फ 10-15% ही रह जाएगा। दूसरा ये क्या कहता है, जैसे ही सीड में मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ तो जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंसी स्टेज में आ जाता है, मतलब अपनी ग्रोथ रोक देगा, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो सीड वापिस से क्या कर लेगी, जर्मिनेशन कर लेगी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट, और ओव्यूल ने क्या बनाया, सीड। इतना तो आपको सबको समझ में आ गया। ओवरी की जो वाल है, मतलब फ्रूट की जो वॉल है, उसे हमने क्या नाम दिया, पेरिकार्प, और सीड को सीड कोट, और वो सीड कोट कौन कौन सी हो गई, आउटर टेस्टा और इनर टैगमैन होती है। अब किसी किसी में ये जो पेरिकार्प है वो कैसी होती है, फ्लैशी, मतलब जूसी, तो उन फ्रूट को हम बोलते हैं फ्लैशी, जैसे गुआवा ऑरेंज, मैंगो। किसी किसी में ये पेरिकार्प ड्राई हो जाती है, उन फ्रूट को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे ग्राउंडनट है और मस्टर्ड है। कौन कौन से हो जाएंगे, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। अब खाली ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है या दूसरे पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट क्या बना रहा है, उस बेस पे भी हमने फ्रूट को क्लासिफाई करा है, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से हो गए,
जो सिर्फ और सिर्फ किससे डेवलप हो रहे हैं, ओवरी से। अदर देन ओवरी, चाहे थैलेमस हो चाहे कोई दूसरा पार्ट हो, फ्रूट फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहा है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल हो जाएंगे ग्रेप, और कौन सा एग्जांपल हो जाएगा ट्रू फ्रूट्स का, टमाटो। फॉल्स फ्रूट्स में कौन कौन से आएंगे, एप्पल, केश्यू नट, काजू, इसके एग्जांपल हो जाएंगे फ्रॉस्ट फ्रूट। यहाँ पर ओवरी के साथ थैलेमस भी इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो वो फ्रूट कौन से हो गए, फॉल्स। यहाँ ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन है, मतलब सीडलेस फ्रूट। इन फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं, जैसे बनाना। यहाँ पर फर्टिलाइज डेवलपमेंट जो हो रही है फ्रूट की, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि सीड तो है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। तो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दीज फ्रूट्स आर डिवॉइड ऑफ सीड्स। और यहाँ पर एडिशनल पार्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बनाना। क्या एग्जाम्पल है, बनाना। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है सीड स्ट्रक्चर। कौन सा टॉपिक है, सीड स्ट्रक्चर। अब सीड दो प्रकार की है, एक मोनोकोट सीड जहां पर सिंगल कोटिलेडंस प्रेजेंट है, एक डाइकोट सीड जहां पर डबल कोटिलेडंस प्रेजेंट है। जैसे कि आप देखते होंगे मेज, मक्का की सीड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, मोनोकोट। बीन सीड चने की डाइकोट है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। राजमा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज डाइकोट सीड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीन सीड। जो बीन सीड है वो डाइकोटिलेडंस है और नॉन एंडोस्पर्मिक है। यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। कंप्लीट एंडोस्पर्म किसकी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जाता है। पूरी सीड पे एक स्क्वायर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम का नाम देते होते हैं। जैसे इस प्रकार से आप डायग्राम देखो, ये आप एक डायग्राम देखो, इसमें ये क्या है, ये छोटा सा जो पॉइंट है दैट इज हाइलम। यहां एक माइक्रो पाई है, ये एक सीड है। आप अगर वैसे देखते हैं इसको, इस सेक्शन में देखेंगे तो ऐसे देखिए, आपने कभी देखा हो ये इस प्रकार से, ठीक है। इसको जब हमने कट कर लेटर उसका वेंट्रल व्यू देखा तो ये है, लेटरल व्यू देखा तो ये है, तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर माइक्रोपाइल रीजन भी प्रेजेंट था एक एंड के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये क्या कहता है, जो सीड होती है वो टफ कवरिंग से कवर अप होती है, दैट इज टेस्टा। इनर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज टैगमेन, ठीक है। अब देखो इसका आप एक डायग्राम, ये इस प्रकार से, ये है रेडिकल जो रूट में कवर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज टेस्टा आउटर, दिस इज टैगमेन इनर, दिस इज प्लूम्यूल। कोटलीडेंस लार्ज होते हैं, ये क्या है दोनों कोटलीडेंस, क्या है कोटलीडेंस प्रेजेंट होते हैं। ये एम्ब्रियो एक्सिस, इसके एक एंड पे क्या प्रेजेंट है, प्लूम्यूल, जिसको फ्यूचर शूट बोलते हैं। एक एंड पे क्या प्रेजेंट है, रेडिकल, जिसको फ्यूचर रूट का नाम देते होते हैं। क्या कहता है, एम्ब्रियो एक्सिस बिटवीन द कोटलीडेनरी नोड्स एंड प्लूम्यूल्स।
आप मान लो ये एम्ब्रियोक्सिस है, यहाँ पर एक नोड है कोटिलेडोनरी नोड, इस नोड और प्लूम्यूल के बीच का हिस्सा दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसे? एपिकोटाइल का नाम देते होते हैं। ये एपिकोटाइल एम्ब्रियोनिक शूट सिस्टम का पार्ट होता है, सॉइल से ऊपर रहता है। इसी प्रकार कोटिलेडोनरी नोड्स और रेडिकल के बीच का हिस्सा कहा जाता है हाइपोकोटाइल, जो कि सॉइल से नीचे होता है और एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम का पार्ट होता है। क्लियर इतना? नेक्स्ट सीड है मेज सीड। कौन सी आ जाएगी? मेज। जो मेज सीड है वो कैसी है आपकी? मोनोकोट। कैसी होती है? मोनोकोटिलेडोनरी। एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड का नाम देते हैं। यहाँ पर जो फ्रूट्स है उस फ्रूट को हम नाम देंगे कैरियोप्सिस। क्या नाम दे देंगे? कैरियोप्सिस। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर आपको पूरा डाय क्लियरली अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। देखिए दूसरा आगे देखिए इसमें आपको। अब ये यहां पर एक लेयर और बनेगी, ठीक है। सो दिस इज फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। जो आउटर कवरिंग है वो फ्यूज्ड पेरिकार्प और टेस्टा से मिलकर बनी हुई है। एक लेयर और होती है दैट इज एलुलोन लेयर। ये कैसी? प्रोटीनियस रिच लेयर होती है। मेजर पोर्शन एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को कौन सेपरेट करता है? स्कूटेलम। स्कूटेलम एपिथेलियल लेयर ऑफ स्कूटेलम का नाम देते हैं इसको। ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉलियोप्टाइल, जो किसकी कवरिंग है? प्लूम्यूल की। किसकी कवरिंग है? प्लूम्यूल की। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉलियोराइजा। ये किसकी कवरिंग है? रूट की और रेडिकल की। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बारे में आपको जो मेन बात समझनी है दैट इज दिस एंड दिस इज। बस आप सब पढ़ चुके हैं कॉलिप्टाइल क्या है, प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, कॉलिराइजा। ये एक मेज सीड है जो कि कैसी होती है? मोनोकोट। जबकि बीन सीड कैसी थी? डाइकोट। ये एंडोस्पर्मिक, बीन सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। यहां पर फ्रूट को हमने क्या नाम दे दिया? कैरियोप्सिस। आया था ना समझ में? जो सीड कोट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। पेरिकार्प किसकी कवरिंग है? फ्रूट वॉल की। और टेस्टा किसकी कवरिंग है? सीड की कवरिंग होती है। वन थर्ड पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है? एम्ब्रियो। एंड मेजर पोर्शन इज ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के पास एक प्रोटीन रिच लेयर है दैट इज एलुलोन। जो रिमेनिंग लेयर होती है वो कैसी होती है? स्टार्च रिच होती है। और किसका काम करती है? स्टोरेज रीजन का। देखो एलुलोन है जो प्रोटीन रिच है, ये माना जाता है एलुलोन जो है वो प्रोटीन है, मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। और जो बाकी लेयर बच गई वो लेयर किसका काम करेगी? स्टोरेज रीजन का काम करती होती है।
इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बाकी वही है सारा प्रोसेस इसके एम्ब्रियो में। अपर पार्ट पे कॉलिप्टाइल किसकी कवरिंग? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट बनाएगा। कॉलेराइजा किसकी कवरिंग? रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगी? आपकी फ्यूचर रूट। अब इस एंडोस्पर्म और इस एम्ब्रियो के बीच में एक एपिथेलियल लेयर ऑफ स्कूटेलम है। इस स्कूटेलम का मेन फंक्शन क्या है? ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज जिब्रेलिन। किस लिए करती है? ताकि एंजाइम की डेवलपमेंट हो सके। कहां से? एलुलोन लेयर से। ताकि वो जो फूड है वो क्या हो सके? मोबिलाइज हो सके एंडोस्पर्म से, ताकि सीड का जर्मिनेशन हो सके। जैसे ही सीड जर्मिनेट करते हैं तो ये स्कूटेलम लेयर हार्मोन सिक्रीट करेगी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एंजाइम फॉर्मेशन करेगा एलुलोन से, और एंजाइम फॉर्मेशन होती जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा? फूड को लिक्विड फॉर्म में ले आएगा, मोबिलाइज करेगा, और क्या करेगा ये? फ्रूट फॉर्मेशन के सॉरी आगे जो सीड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों से? तो कॉलेप्टाइल क्या है, कॉलेराइजा क्या, आप अच्छे से समझ चुके हैं। सीड की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो पेरिनेशन में हेल्प करती है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती इतने वो रेस्टिंग फेज में, फेवरेबल कंडीशन आती है वो जर्मिनेट हो जाती है। डिस्पर्सल में हेल्प करती है, फूड रिजर्व में हेल्प करती है, वेरिएशन प्रोड्यूस करती होती है। लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज सीड वायबिलिटी। व्हाट इज सीड वायबिलिटी? टाइम पीरियड फॉर विच द सीड रिमेन, फॉर विच द सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। भाई कितने समय तक वो जर्मिनेशन की एबिलिटी रखती है, डेट इज सीड वायबिलिटी। हमने सीड वायबिलिटी है वो जेनेटिकली भी डिटरमाइन होती है और इन्वायरमेंटली भी डिटरमाइन होती है। ये क्या कहता है? कई सीड कुछ महीने के लिए मतलब कैसी रहती है? वायबल रहती है। कुछ सीड कई सालों तक वायबल रहती है। एग्जाम्पल है फॉइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। डेक्टाइलीफेरा ये किंग हवर्ड एक प्लेस है नियर डेड सी, वहां से इस प्लांट की सीड एक्सट्रैक्ट की गई थी और ये माना जा रहा था वो 2000 साल पुरानी है। लोटस सीड 1000 साल तक वायबल रह सकती है। दूसरा ये क्या कहता है? हम किसी भी सीड की वायबिलिटी दो फैक्टर से उसको मेजर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? रेस्पिरेशन प्लस जर्मिनेशन। अब हम सीड को देखकर तो नहीं बता सकते ना कि ये सीड रेस्पायर कर रही है या नहीं, जर्मिनेट हो रही है या नहीं, उसको तो हम सॉइल में ग्रो करेंगे तभी। लेकिन ग्रो करने से पहले हम कैसे पता करें कि ये सीड वायबल होगी या नहीं होगी? बाय यूजिंग ट्राइफिनाइल टेट्रा जोलियम क्लोराइड। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस। अगर इसको हम वायबल सीड इसमें डालते हैं तो जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो सीड है वो कैसी है? हमारी वायबल है। तो वायबिलिटी को हम किस दो फैक्टर पे मेजर करेंगे? रेस्पिरेशन और जर्मिनेशन। और कलरलेस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम को किस में कन्वर्ट कर देगी? पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इनकंपेटिबिलिटी। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे।